हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्वीर और वीडियो के अंदर मैं देख रहा हूं रिवाइंड ऑफ रिजीम चेंज, इट विल मेक यू क्राई फीट इमरान खान, गूज बम्स आएंगे या नहीं आएंगे वो तो देखकर सुनकर पता चलेगा। ये क्या वीडियो है? रिवाइंड रिजीम चेंज, यानी कि जो भी बदलाव हुआ, जो भी कुछ हुआ है, जो भी आप कह सकते हैं बखेड़ा हुआ था, उसके पीछे उसका पूरा पूरी जर्नी जो भी उसको देखेंगे हम आज एक रिवाइंड वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। क्या टाइम था, तारीख में लिखा जाएगा कि दुनिया में एक ऐसा लीडर भी था जिसको खरीदने के लिए दुनिया की दौलत कम पड़ गई। जाने से ऐसा काम में लगा हुआ है नहीं जो कौम में उस कौम का हाकिम नहीं फकत उसकी सजा। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। इतवार को सारी पाकिस्तानी कौम ने सड़कों पर निकल के बताया है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। इमरान खान वजीर आजम बने, कोई ड्रोन अटैक हुआ है? पाकिस्तान की एयर फोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दे। वोट हमें दे या ना दे, मैं सारे पाकिस्तानियों से बात करूंगा, लेकिन खुदा के वास्ते कभी इन लोगों को सारी जिंदगी वोट नहीं देना। आपने तो गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर ले। वक्त साबित करेगा तो मसलूफियत है। आपके अल्फाज आपको मुबारक हूँ। सच पूछे तो इमरान खान की असली स्ट्रगल असली रास्ते पर आज शुरू। आए गरीब इनको नहीं पता चलता। सही मारा यार। के नाम आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूँ सवाया लाके, और बिहाइंड यू इसके पर कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाल्लाह। है खुद भी आजाद रहता है और लोगों को भी बरगलाता है, उनको भी कहता है कि आजाद हो जाओ, चमड़ी वालों के काले जूते पॉलिश नहीं कर सकता। कहता है कि मेरे लोगों की जान भी उतनी कीमती है जितनी तुम्हारे लोगों की जान कीमती है। जिद करता है, अड़ जाता है कि मैं कमतर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, तुम मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। अजीब आदमी है। कहता है कि मेरे लोगों का खून कीमती है, मेरे लोगों का खून बहा है, मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरे लोगों को खराज तहसीन पेश करो, हमारा शुक्रिया अदा करो। कहता है अड्डे नहीं दूंगा, फिर कहता है तुम्हारी जंग नहीं लड़ूंगा। अजीब आदमी। कहता है डूमोर को नहीं समझ आती मुझे क्या है, अगर ड्रोन आया तो मार के गिरा दूंगा। किस किस्म की धमकियां देता है, क्या आदमी है? अजीब आदमी। अमेरिका को कहता है तुम्हारी पॉलिसी गलत है, वो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, उसको कह रहा है कि तुम्हारी पॉलिसी गलत है, उसको कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट। कैसे हो सकता है? उसकी आंखों में आंखें कैसे डाल सकता है? उसके सामने बैठ के कैसे एतमाद के साथ बात कर सकता है? वहां तो पर्ची चलती है, बैकी बैकी बातें करता है। कहता है जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो फिर चींटियों की तरह जमीन पर क्यों रेंगते हो? ऐसी अजीब अजीब बातें नौजवानों को पढ़ाता है, उन्हें समझाता है। ये क्या बात हुई कि हम आजाद हैं, जिससे चाहे मिले, जिससे चाहे ना मिले, जिससे चाहे ताल्लुकात बनाए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान करेगा। ये कहता है गुलामों को आजादी के ख्वाब दिखाता है, अपने मुल्क का लिबास पहनता है, अपने कल्चर और अपने मजहब के ऊपर फख्र करता है। अजीब आदमी है। बहरों से बात करता है, अंधों को रोशनी दिखाता है। हटाओ इसको, ये कौन है? निकालो इसको, ये सबको खराब कर रहे। सबको खराब कर दिया भाई इसने, कर दिया। ये ऐसी खराबी सब चाहते हैं।
ज़बरदस्त वीडियो बनाई गई है, गूज बम्स इसके अंदर लिखा हुआ था टाइटल में, मैंने पढ़ा और मैंने बोला कि आएंगे या नहीं आएंगे, थोड़ी देर में ही गूज बम्स आ गए यार। है इसके अंदर पूरी जर्नी इमरान खान की डाउनफॉल की और उसके बाद उभरने की, जो आज जो कंट्री उभरी है ना इमरान खान के मेहनत के बाद उनके साथ खड़े होकर, तो वो सब कुछ था इसके अंदर, सोचने पे मजबूर कर देना, वो रोंगटे खड़े कर देना इस वीडियो के ज़रिए। और इसमें मेहनत लगी है भाई, मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, एडिट जो की गई है वो सुलेमान खान ने की गई है, और क्रिकेट इन मूड के चैनल पर है ये लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके म्यूज़िक और फुटेज और वोकल के जो बैकग्राउंड वोकल्स क्रेडिट हैं उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, इसके ओरिजिनल वीडियो में भी लिंक दे रखे हैं, मैं भी दे दूंगा। सो ये क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिसकी मेहनत है उसको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए हमेशा। अब करते हैं इस वीडियो की बात, बहुत कुछ था इसके अंदर। अली मोहम्मद के जब वो बोल आए कि उसका हाकिम, उस देश का हाकिम या उस उन लोगों का हाकिम ही उसकी सज़ा है, तो ये रोंगटे खड़े वहाँ से होने शुरू हो गए थे। उसके बाद बहुत सारी इनकी चीज़ें दिखाई कि कैसे कैसे गिरी और कैसे कैसे उठे, कैसे कैसे उभरे। लेकिन हाँ, ये पॉजिटिव वीडियो था एक इमरान खान के लिए कि बाद में जो इमरान रियाज खान के बोल थे ना, क्या धांसू बोल थे यार, कमाल के बोल थे वो, उसमें साफ साफ रोंगटे खड़े हो रहे थे उसके, उसको सुनने के बाद और साफ पता चल रहा था यार कि वो किस उसके लिए बोल रहे हैं, किस मकसद से बोल रहे हैं इमरान खान को ऐसा। एंड उन्होंने ये चीज़ें करी हैं इसीलिए उनके ऊपर ये बोल बोले जा रहे हैं, ये बोल मशहूर हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। बाकी वीडियो बहुत ही धाकड़ था, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मोटिवेशनल भी था। एंड बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा। ये थी जर्नी रिजीम चेंज के पीछे की, द रिफाइंड ऑफ रिजीम चेंज कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ये वीडियो उसको पूरा दिखाता है। शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो। मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।